जयपुर से खबर है, नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में पैंथर शावक की मौत का मामला। दो दिन पहले शावक की मौत हो गई और गुपचुप तरीके से इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। नारेंजर ने दी जानकारी, नवरिष्ठ पशु चिकित्सक ने की जानकारी को सार्वजनिक। विराटनगर के भिंडोर गांव से 1 सितंबर को रेस्क्यू से किया गया था 4 महीने का शावक, और रेस्क्यू जिस समय रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू के वक्त शावक की उम्र 5 से 7 दिन की बताई गई। मां से बिछड़ने के चलते शावक को रेस्क्यू किया गया। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उस समय भी मुद्दा उठाया। वन विभाग की टीम ने शावक को मां से मिलाने के गंभीर प्रयास नहीं किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि शावक की मौत हो गई और 2 दिन पहले शावक ने रेस्क्यू सेंटर में अपना दम तोड़ दिया। 4 महीने की शावक की मौत पर वन विभाग पर्दा भी डाल रहा है। इससे पहले भी दर्जन भर से ज्यादा बिग कैट्स की रेस्क्यू सेंटर में मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि इस पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई के आदेश देंगे CWLW या मंत्री ना होने का फायदा उठाकर इस बार भी दोषी बच जाएंगे। देखिए, गंभीर मुद्दा है क्योंकि जहां संरक्षण की बात की जाती है और संरक्षण के लिए इतने सारे लोगों की संलिप्तता होती है, कार्य होता है दिन रात का, लेकिन ऐसी लापरवाही बर्दाश्त की जानी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, फर्स्ट इंडिया ने हर बार की तरह इस मुद्दे को उठाया था जब ये अपनी मां से बिछड़ गया था, और ये सोच पहले से कहीं ना कहीं दिमाग में थी आपके। आपने कहा भी था कि इसके साथ में इस तरह की परिस्थितियां हो सकती है, हुआ यही, शावक की मौत हो गई और किसी को भनक भी नहीं लगी। निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। देखिए जयती, उससे पहले एक बार रायसर से 7 दिन के शावक को लाए थे, शिवा को, उसकी 1 साल का जब हुआ तो उसकी मौत हो गई। उसके बाद राधा को लाए, राधा फॉर्चुनेटली अभी अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये जो शावक है इसको 1 सितंबर को मां से बिछड़ने की सूचना मिली थी। उसके बाद यहाँ से वरिष्ठ चिकित्सक और तमाम जो रेस्क्यू टीम थी वो वहां पर पहुंचे थे, तमाम जो अन्य जो अधिकारी थे उनके निर्देश पर टीम वहां पर गई और वहां जाके उसको, उस समय भी हमने मुद्दा ये उठाया था कि शावक को मां से मिलाने के गंभीर प्रयास होने चाहिए। देखो, कोई शावक अगर 6-7 दिन का है, अपनी मां से बिछड़ जाता है, तो कम से कम 48 से 72 घंटे इस बात के प्रयास किए जाते हैं, मतलब 3 दिन इस तरह के प्रयास किए जाते हैं कि उसकी मां है उसको ले जाए, लेकिन इसको ज्यादा वहां प्रयास किया, उसको दूसरे दिन ही वहां से उठा करके रेस्क्यू सेंटर दिया। अभी इसकी उम्र 4 महीने है, लेकिन 2 दिन पहले इसकी मौत हो जाती है। और देखिए, इससे भी बड़ी विडंबना और अचरज की बात यह है कि रेंज अधिकारी जो हैं नारगढ़ रेस्क्यू सेंटर के, ना तो उन्होंने इस बात की जो किसी तरह की सूचना जारी की, वो छोटी छोटी सूचना जारी कर देता, लेकिन इस सूचना को छुपाया गया। ना ही वहां पर जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक है जो देखता है पूरी इसका इलाज कर रहे थे, उन्होंने भी इस तरह की किसी तरह की जानकारी नहीं दी। खास बात यह है कि इसकी 2 दिन बाद आज जब हमें जानकारी मिली फर्स्ट इंडिया न्यूज को, तो उसके बाद भी हमने प्रयास किया अधिकारियों से बात करने के, लेकिन किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दुखद बात यह है कि करीब 14 बिग कैट्स की मौत पिछले 3 साल के अंदर नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हो चुकी है। किसी की लैपटॉप स्पाइस से, कोई कैनाइन सिस्टम पर से, और किसी की नेचुरल डेथ भी हुई किसी की उम्र पूरी होने पर। लेकिन शावकों के साथ अगर इस तरह का हो रहा है, उनकी रिवाइल्डिंग नहीं की जा रही, जिस तरह से अभी तक राधा की रिवाइल्ड 2 साल की हो गई, शिवा 1 साल से ऊपर का हो गया था, उसकी रिवाइल्डिंग नहीं की, उसकी मौत हो चुकी थी। अब इस टावर की मौत होना इस बात से साफ साबित होता है कि नारगढ़ रेस्क्यू सेंटर और नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ की चिकित्सा की व्यवस्थाओं की बात करें या वहाँ की जो रेंज की जो व्यवस्था है वो सुचारू नहीं। अब पूरे मामले में देखना यही है, क्योंकि अब सूबे में इस समय कोई वन मंत्री नहीं है, नई सरकार का भी पूरी तरह से गठन होना है, तो ऐसे में कहीं इस बात पर भी पर्दा डाल के जो दोषी है वो बच ना जाए, तो कोशिश तो होनी चाहिए कि जो टी पार्टी वार्डन अरिंदम तोमर जांच के आदेश भी दें, दोषियों पर कार्रवाई भी करें, ताकि ये मौतों का वहाँ जो सिलसिला है रुके और वहाँ की व्यवस्था सुचारू हो सके। क्योंकि वन्यजीव प्रेमी इस समय पर्यटन परवान पर है, वन्यजीव प्रेमियों में एक ही बात बार बार उनके घर कर जाती है, उनके दिमाग में उठती है, सचोटती है उनको कि इस तरह से रेस्क्यू सेंटर में कैसे मौत हो जाती है, और मौत की सूचना में पर्दा क्यों डाला गया। सबसे बड़ी बात है, 48 घंटे से ज्यादा इस शावक की मौत हो गई, उसका पोस्टमार्टम भी गुप्त तरीके से कर दिया गया, उसका अंतिम संस्कार गुप्त तरीके से कर दिया गया, तो मीडिया की बात आते नहीं, उसका इनके पास कोई जवाब। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसके इलाज में लापरवाही बरती जा रही, उसके कारण इसकी मौत हुई। और देखिए, अब इसकी रेस्क्यू सेंटर में जिस बाघ के बच्चे को लेकर आए थे रणथंभौर से, वो भी वहां पल रहा है, तो उनकी भी अब इसकी सार्वजनिक करनी चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है। तो कुल मिलाकर लगातार वहां जो लापरवाही चल रही है उनको रोकना होगा, और सक्षम स्तर पर न केवल प्रशासनिक बदलाव की वहां पर जरूरत है, बल्कि व्यवस्थाओं को सुचारू करने की। निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।